और खंडवा जिले के हनुवंतिया जल महोत्सव में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुई दुर्घटना के संबंध में कलेक्टर अनय द्विवेदी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मामले में अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि एसडीएम पुनासा इस मामले की विस्तृत जांच करेंगे कि ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, इस घटना से संबंधित कोई तथ्य, साक्ष्य, जानकारी, फोटो या वीडियो किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वो उसे एसडीएम पुनासा को तत्काल उपलब्ध करा सके ताकि घटना की जांच में मदद मिल सके। वहीं घटना के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी एसडीएम पुनासा को दी जा सकती है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हनुवंतिया में जो पैराग्लाइडिंग मोटर एक्टिविटी होती है उसमें दो लोगों के गिरने से मृत्यु होने की खबर आई है। इसमें एक व्यक्ति बालचंद्र दांगी जिनकी उम्र 32 वर्ष की थी और राजगढ़ के रहने वाले थे और दूसरे व्यक्ति राजपाल सिंह राजपूत जिनकी उम्र 28 वर्ष थी और पाली राजस्थान के रहने वाले थे। इन दो लोगों की उसमें हादसे में मृत्यु हुई है। इसमें पायलट के साथ साथ जो दूसरे व्यक्ति थे वो जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है इस इवेंट को उसके ही ओनर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इस हादसे के उपरांत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित कर दी गई है जिसमें समस्त तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। अभी वर्तमान में दोनों ही जो घायल हुए थे उनको मूंदी अस्पताल ले जाया गया था जहां पर बीएमओ द्वारा उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। समस्त आगामी जो कार्रवाई है वो वर्तमान में की जा रही है और जांच आने के उपरांत इस संबंध में और विस्तृत रूप से आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा। अभी जो हमारे